भाई अब सबर की घड़ी हो गई है खत्म और दो दिन बाद जो है एप्पल अपने सारे ही प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है एप्पल इवेंट्स में, और वहां पर चार नए अवतार आपको देखने के लिए मिलेंगे आईफोन 14 के नाम से, जिसमें से जो सबसे पहला छोटा फोन रहेगा वो होगा आईफोन 14, उसके बाद होगा आईफोन 14 प्लस, उसके बाद में 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स, ये चार होंगे और चार अलग आपको जो है कलर भी देखने को मिलेगा। सबसे जो पहला इस बार एक अलग सा कलर आईफोन लेकर आ रहा है वो है पर्पल कलर। इसके अलावा आपने सारे कलर देख रखे होंगे जिस लाइक व्हाइट, गोल्ड और ग्रे कलर, तो ये तो सारे कलर सेम रहेंगे और भाई वही डिजाइन रहेगी, सेम टू सेम डिजाइन जो कि आईफोन 13 में थी वही डिजाइन आपको इस बार 14 में भी देखने को मिलेगी। पर भाई यहाँ पर एक सबसे बड़ा यहाँ पर मेजर अपडेट जो आ रहा है इन फोन में वो है नोच यहाँ पर हटा दी गई है, और हाँ भाई एक और मेजर बड़ा अपडेट जो यहाँ पर डाल दिया गया है आईफोन 14 में वो है भाई कैमरा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको इस बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल अपने किसी भी फोन में जहाँ तक हमने 13 से नीचे की जितनी भी सीरीज देखी उनमें किसी में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा हमने किसी में नहीं देखा। इस बार जो सीरीज आ रही है इसमें 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, तो इस बार सारे ही कंपनियों को यहाँ पर धो दिया जाएगा। भाई डीप सफिस्टिकेशन की बात करें तो इस बार प्रोसेसर में धमाल मचा देगा आईफोन। आईफोन यहाँ पर लॉन्च कर रहा है अपनी नई चिप आईफोन एप्पल A16, पहले थी 15, अब आएगी 16, और वह इसमें एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर डाल दिया गया है, वो है सैटेलाइट से कॉलिंग कर पाओगे आप इमरजेंसी के टाइम में, और सैटेलाइट से आप इंटरनेट भी चला पाओगे। US वगैरह में तो लॉन्च होते ही ये सारे फंक्शन काम करेंगे और इंडिया में भी धीरे धीरे आ जाएंगे। और हाँ भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि भाई जो आईफोन 14 और ये सारी जो सीरीज है ना उसी कीमत पर आने वाली है, जो आईफोन 13 था ना उसी कीमत के आसपास आएगी, ज़्यादा इस बार हाइप नहीं रहेगी, इनकी जो कीमत है वो ऊपर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि आईफोन खुद चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमसे जुड़े और एंड्रॉयड का पत्ता साफ हम कर दें। और भाई लीक्स के मुताबिक आपको बताऊं तो इस बार आईफोन 14 में सी टाइप भी आ सकती है, तो भाई जो भी लोग ऐसे रो रहे थे ना कि भाई इसमें लाइटनिंग पोर्ट है, तो इस बार वो समस्या भी सोल्व हो सकती है, दो दिन का वेट और सारा खुलासा हो जाएगा। आईफोन 14 प्रो मैक्स की डिस्प्ले की हम बात करें तो भाई इस बार डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें से नोच हटा दी गई है और जो सामने का कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर रहेगा 2.2, और हाँ भाई वाइड व्यूज की अगर हम बात करें व्यू कितना होगा तो वो रहेगा 23 mm, और हाँ भाई यहाँ पर दो डॉट देखने को मिलेंगे आपको डिस्प्ले के ऊपर, जो कि इसमें से एक तो कैमरा रहेगा और एक रहेगा 3D फेस ट्रैकिंग वाला वो सेंसर जो आईफोन अपने सभी फोन्स में आजकल यूज करता है। और हाँ भाई आईफोन ने यहाँ पर एक चीज़ और कही है कि डॉट तो दो रहेगी पर हम ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी डिस्प्ले को ऐसे पूरा एक डॉट हम दिखाएंगे और बीच में ग्रीन और रेड की जो है हम दो इंडिकेटर बना देंगे, कुछ इस टाइप का जो है आईफोन का कहना है डिस्प्ले के ऊपर। और हाँ भाई 14 प्रो मैक्स की जो डिस्प्ले की साइज रहेगी वो रहेगी 6.7 इंचेस, यानी कि काफी बड़ी आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। भाई आप में से काफी लोगों को पता होगा कि बायोनिक 15 जो चिप थी उसको अभी तक एंड्रॉइड की किसी भी चिप ने ऐसे बेंचमार्क में पीछे नहीं छोड़ पाई है, और बायोनिक 16 भी डाल रहा है इसमें, तो भाई साहब तबाही कर देगी ये चिप, इसको कोई भी एंड्रॉइड फोन ऐसे पीछे नहीं छोड़ पाएगा। और हाँ भाई यहाँ पर प्राइजेस भी कम रहेगी और लुक वगैरह सेम वही रहेगा। एक बड़ा मेजर अपडेट यहाँ पर ये आ रहा है कि भाई इस बार जो आईफोन है ना वो चार्ज भी फास्ट होंगे और जो वायरलेस चार्जिंग है वो भी फास्ट होगी। बात करें एप्पल वॉच की तो इस बार जो एप्पल की वॉच आ रही है यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले आएगी और जो बॉर्डर्स होगी वो भी काफ़ी कम रहेगी, और यहाँ पर डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है और थोड़ी सी एप्पल की वॉच को पतला किया गया है, और जो एप्पल के ईयरबड है उनकी भी जो अंदर की चिप है उसको चेंज कर दिया गया है, उसके वजह से शायद तक इस बार साउंड आपको और भी बेटर देखने के लिए मिलेगा ईयरबड्स के अंदर। इसके अलावा मैकबुक, टेबलेट ये सारी एप्पल इवेंट्स में लॉन्च होगी। आई होप ये वीडियो देख करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इस बार एप्पल क्या लॉन्च करने वाला है और कैसी कैसी चीजें आने वाली है। थोड़ा बहुत मैंने जो है सोशल मीडिया से ही ये चीजें उठाई है,
और कुछ मैंने खुद की जानकारी ली है गूगल से, तो ये सारा जो झोलझमेला दो दिन में पूरा पता चल जाएगा जो भी अंदर का सच है। और हाँ भाई, आप लोग ना बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस को लाइक करते हो, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के तो आप वीडियो बिल्कुल लाइक करते ही नहीं हो, हम भी तो वही चीज बता रहे हैं यार। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलूंगा आपको एक ऐसे ही वीडियो पर। बाय बाय।